शुक्रवार को पुलिस आयुक्त मितेश कुमार और विधायक कृष्ण खोपड़े ने पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो से हो रही ट्रैफिक की समस्या का जायजा लिया। इस दौरान विधायक खोपड़े ने बताया कि पुल का काम जनवरी तक पूरा हो जाएगा। पार्डी क्षेत्र में बीते कुछ दिनों से नागरिकों को ट्रैफिक की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो का कार्य भी निर्माणाधीन स्थिति में होने से क्षेत्र की जनता को यातायात से जुड़ी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते नागरिकों को हो रही समस्याओं के मद्देनजर रखते हुए पुलिस आयुक्त मितेश कुमार और विधायक कृष्णा खोपड़े ने पार्डी ओवरब्रिज और मेट्रो का निरीक्षण किया। इस दौरान मेट्रो और एनएचएआई के अधिकारी मौजूद थे। मेट्रो का काम दिसंबर तक पूरा हो जाएगा और वो जनवरी से नागरिकों के लिए शुरू हो जाएगा, ऐसा आश्वासन मेट्रो अधिकारियों की ओर से दिया गया, जिसके बारे में विधायक कृष्णा खोपड़े ने अधिक जानकारी साझा की। पार्डी ओवरब्रिज आणि मेट्रो याचा ट्रॅफिकचा जायजा घेण्याकरिता माननीय पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार या ठिकाणी आले होते। एक महिना पहिले त्यांनी आदेश काढले, त्याचं नोटिफिकेशन निघालं का या परिसरातून येणाऱ्या सगळ्या जे शहरामध्ये येणारे जड वाहन होते त्याच्यासाठी त्यांनी बंदी लावली होती, आणि म्हणून ते इम्प्लिमेंट बरोबर झालं किंवा नाही झालं या संदर्भात त्यांनी आज निरीक्षण केलं। सगळे या ठिकाणी एनएचआयचे अधिकारी मेट्रोचे अधिकारी उपस्थित होते आणि मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं का डिसेंबरपर्यंत आमच्या मेट्रोचं काम पूर्ण कम्प्लीट या ठिकाणी होणार आहे आणि जानेवारीपर्यंत पार्डी ओवरब्रिजचं काम कम्प्लीट होणार आहे, आणि त्या दृष्टिकोनातून हा सगळं निरीक्षण दौरा त्यांचा होता आणि निश्चित स्वरूपात कामात आता थोडी प्रगती झाली आहे, प्रगती पथावर काम सुरू आहे आणि आशा आहे का हे डिसेंबरपर्यंत मेट्रो आणि जनवरीपर्यंत पार्डी ओवरब्रिज पूर्णपणे कम्प्लीट होईल।